ये कहानी है एक मामूली से लड़के किमितो की, जिसे अचानक ही उसके स्कूल में से किडनैप कर लिया जाता है और एक दूसरे स्कूल में ले जाया जाता है जहां पर सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, और उसे कहा जाता है कि अब से उसे भी इन्हीं खूबसूरत लड़कियों के बीच रहना है। लेकिन अगर हमारे हीरो ने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो उसके हथियार को काट दिया जाएगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें लंच ब्रेक हो गया है, और यहाँ एक क्लास में एक लड़की एक लड़के से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए ब्रेड लेकर आ सकते हो। वो लड़का उस लड़की की बात मान लेता है क्योंकि ये लड़की उसके बचपन की दोस्त है। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो अपनी क्लास से बाहर निकलता है, वो देखता है कि कुछ हट्टे कट्टे आदमी उसी की ओर भागते हुए आ रहे हैं, जिन्हें देखकर वो घबरा जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उन हट्टे कट्टे आदमियों ने हमारे मेन कैरेक्टर कागुरा ज़ाका किमितो को किडनैप कर लिया है, और हमारे किमितो को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो हट्टे कट्टे आदमी किमितो से चिपक रहे थे और ये उसे एक कार में कहीं ले जा रहे थे। अगले सीन में ये कार एक जगह रुकती है और उस कार में से किमितो को बाहर फेंक दिया जाता है, और इसके बाद एक लड़की किमितो के पास आती है और वो किमितो की रस्सियां खोलने लगती है। किमितो पूछता है कि तुम कौन हो, हाँ, और मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। वो लड़की कहती है कि जब तुम किसी से पहली बार मिलते हो तो क्या तुम उनसे इस तरीके से बात करते हो। तुम सच में एक मामूली इंसान हो, मैं आपको सब कुछ बाद में समझा दूंगी, अभी आप मेरे साथ चलिए। दोस्तों, इस लड़की का नाम कुजो मियुकी है। अब किमितो मियुकी के साथ चलने लगता है और वो उसे बताती है कि ये एक स्पेशल स्कूल है जहाँ पर अमीर परिवारों की लड़कियाँ पढ़ती हैं, और इस स्कूल का एग्जिस्टेंस एक सीक्रेट है, सेकाइन गर्ल्स स्कूल, और आज से आप भी इसी स्कूल को अटेंड करने वाले हैं, और इसके लिए हमें आपके पेरेंट्स से इजाजत मिल चुकी है। ये बातें सुनकर किमितो शॉक्ड हो जाता है। वो पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्या कह रही हो, आखिर मैं इस स्कूल में क्यों पढ़ूंगा। लेकिन मियुकी किमितो के सवालों को इग्नोर करते हुए कहती है कि इस स्कूल में लड़कों का आना मना है, और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स और स्टाफ है वो फीमेल हैं, और आज तक इस स्कूल में एक भी लड़का नहीं आया है। लेकिन कुछ सालों से एक दिक्कत आ रही है जिस वजह से तुम्हें यहाँ लाया गया है। और इसके बाद हम इस स्कूल की प्रिंसिपल को देखते हैं, और प्रिंसिपल सबसे पहले कहती हैं कि शायद से मियुकी ने तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, चलो इनसे माफी मांगो। सो अब मियुकी किमितो से माफी मांगती है, लेकिन शायद से उसका ऐसा मन नहीं होता। लेकिन इसके बाद किमितो पूछता है तो आखिर बात क्या है। सो अब किमितो को पता चलता है कि जो लड़कियां ग्रेजुएट होने के बाद इस स्कूल से बाहरी दुनिया में जाती हैं, उन्हें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और कई बार तो उन्हें गेम एडिक्शन लग जाती है जिससे वो सारा दिन बस गेम खेलती रहती हैं। और इसी वजह से हमने डिसाइड किया है कि हम उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में भी अब सिखाया करेंगे, लेकिन स्कूल के ट्रेडिशन को मेंटेन रखना भी एक जरूरी बात है, और इसी वजह से हर एक चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने इस स्कूल के लिए एक कॉमनर सैंपल लाने का डिसाइड किया जो तुम हो। और अब से आप इस स्कूल में पढ़कर बाकी के बच्चों को दिखाएंगे कि एक मामूली इंसान कैसा होता है, उसकी दिनचर्या, उसके कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, और ये सारी बातें। और क्योंकि तुम एक लड़के हो तो इसी के साथ वो लड़कियां अपने ऑपोजिट सेक्स से बात करना भी सीख जाएंगी। ये सारी बातें सुनकर किमितो पूछता है, लेकिन आखिर आप लोगों ने मुझे क्यों चुना। मियुकी कहती है कि तुम एक नॉर्मल से दिखने वाले, नॉर्मल सी हाइट, वेट, लुक्स और ग्रेड वाले एक मामूली से लड़के हो। मिडिल स्कूल में तुम्हारा निकनेम सेबास्टियन था, तुम हर एक तरीके से बिल्कुल मामूली हो, इसीलिए तुम हमारे सैंपल कैंडिडेट के लिए परफेक्ट हो। वैसे ये सारी बातें किमितो को एक तीर की तरह लगती हैं। वैसे तुम में एक और खासियत है जो किसी और में नहीं है, तुम्हें लड़के पसंद हैं। तुम मस्कुलर लड़कों की ओर अट्रैक्ट होते हो, इसी वजह से तुम हमेशा लड़कों के साथ घूमते हो और लड़कियों से दूर ही रहते हो। और ये सारी जानकारी हमें तुम्हारी बचपन की दोस्त हनाई एरी ने दी है। सो किमितो कहता है कि ये जानकारी गलत है, मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ। ये बात सुन प्रिंसिपल कहती हैं कि अब तो ये बात सीरियस हो गई है, अगर तुम्हें लड़के पसंद नहीं हैं, तो हमें अपना सीक्रेट बनाए रखने के लिए तुम्हें दुनिया के किसी ऐसे कोने में भेजना होगा जहाँ पर तुम किसी को ना मिल पाओ, या फिर अगर तुम इस स्कूल में रहने का डिसाइड करते हो तो हमें तुम्हारे हथियार को हटाना होगा। और जैसे ही किमितो ये बात सुनता है
वो कहता है कि मुझे मस्कुलर लड़के बहुत ज्यादा पसंद हैं। और इसी तरह किमितो का हथियार कटने से बच जाता है। अब इसके बाद किमितो को उसकी क्लास दिखाई जाती है जिसे वो अटेंड करने वाला है। वैसे इन लड़कियों ने आज तक किसी भी लड़के से बात नहीं की है। इनमें से एक लड़की आगे आकर कहती है कि मैं इस हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर की कमिटी चेयरपर्सन हूँ। मेरा नाम आरिसुगावा रिको है और हम सभी काफी बेसब्री से आपके आने का इंतजार कर रहे थे। सो अब किमितो भी उन्हें अपना नाम बताता है। किमितो की आवाज सुनकर सभी लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं कि इसकी आवाज हमसे कितनी अलग है। लेकिन तभी अचानक इन लड़कियों को कुछ आवाज आने लगती है जिस वजह से वो परेशान होने लगती हैं। हमें पता चलता है कि ये किमितो के फोन की आवाज थी और मियू की सभी लड़कियों को बताती है कि ये एक स्मार्टफोन है। ये एक ऐसा फोन है जिसका इस्तेमाल कॉमनर करते हैं। ये बात सुनकर वो सभी लड़कियां मियूकी को घेर लेती हैं और उस फोन को देखने लगती हैं कि एक फोन इतना छोटा कैसे हो सकता है। और इसके बाद ये लड़कियां उस फोन को छूकर भी देखती हैं और कहती हैं कि कॉमनर्स कितने अमेजिंग होते हैं। लेकिन तभी रिको कहती है कि ये फोन तो किमितो का है, हमें ये उन्हें लौटा देना चाहिए। लेकिन किसी भी लड़की में किमितो से बात करने की हिम्मत नहीं होती। सो कमेटी चेयरपर्सन रिको आगे आती है और वो किमितो का फोन उसे वापस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और कहती है कि किमितो अपना फोन हमें दिखाने के लिए शुक्रिया। लेकिन तभी वो पैनिक होते हुए कहती है कि मुझे एक थैंक यू कार्ड बनाकर आपको ये फोन वापस करना चाहिए। और इसके बाद वो अपनी मेट को बुलाती है और इसके बाद वो किमितो के लिए एक लेटर लिखने लगती है। और लेटर लिखने के बाद उसे अच्छे से बांध कर एक बड़े से बॉक्स में कुछ चॉकलेट्स के साथ उसका फोन रख कर वो उस बॉक्स को भी पैक कर देती है। और अब कुछ इस प्रकार वो किमितो को उसका फोन लौटाती है, जो देखकर बाकी की लड़कियां कहती हैं कि रिको कितनी बहादुर है। लेकिन जैसे ही किमितो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, नर्वस होने की वजह से रिको के हाथ से वो बैग छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी किमितो किसी हीरो की तरह उसे बचा लेता है और रिको यहाँ पर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। लेकिन तभी उस क्लासरूम में एक और लड़की आती है जो किमितो को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। और क्लासरूम से बाहर आकर वो अचानक ही किमितो के ऊपर चढ़ जाती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। और इसके बाद वो उसे किस करने की कोशिश करने लगती है। किमितो उसे दूर करते हुए पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो लड़की कहती है कि एक कॉमनर को किस करने से तुम्हारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, है ना, तो अपने सपने पूरे करने के लिए मैं तुम्हें किस करूंगी। और दोस्तों ऐसा इस लड़की से इसकी एक सीनियर ने कहा है। सो किमितो उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इसके बाद वो लड़की किमितो को बेवकूफ कहती है। सो किमितो कहता है कि तुमने अपनी सीनियर की बातों पर यकीन कर लिया, असली बेवकूफ तो तुम हो। वैसे वो एक और कहावत है ना कि तीन बार गोल घूमने के बाद अगर तुम भौंकते हो तब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। तो अब वो लड़की किमितो की बात पर यकीन करके तीन बार घूमकर स्पिन करने लगती है और इसके बाद कहती है वो। लेकिन तभी वहां पर बाकी की लड़कियां आ जाती हैं और वो किमितो से कहती हैं कि हमें आपकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसी वजह से हम आपको देखने के लिए आ गए। वैसे आइका कहाँ है, वो लड़की जो आपको खींचकर यहाँ लाई है, और आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं दोस्तों वो लड़की आइका अब वहीं पर सिकुड़कर बैठ जाती है और जब रिको उससे कुछ कहने की कोशिश करती है वो वहां से भाग जाती है। और दोस्तों ऐसा उसने पहली बार नहीं किया है, जब भी आइका से कोई बात करने की कोशिश करता है वो हमेशा इसी तरीके से भाग जाती है। अब अगले सीन में मियूकी किमितो को वो जगह दिखाती है जहाँ पर वो रहने वाला है। आपका कमरा आपकी जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल तैयार कर दिया गया है और हमने उसमें जरा से भी बदलाव नहीं किए हैं, वो कमरा आपको पूरे तरीके से सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इसके बाद जब किमितो अपना कमरा देखता है उसे पता चलता है कि ये तो उसका ही कमरा है। किमितो के घर से उसके सारे सामान को इस कमरे में लाकर रख दिया गया है। मियूकी आगे कहती है कि इस कमरे को आपकी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है और ऐसा करने में 100 मिलियन एन खर्च हुए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कमरे में रहने में पूरी संतुष्टि मिलेगी। लेकिन तभी किमितो देखता है कि उसके कमरे में थाइस की पिक्चर्स लगी हुई हैं और किमितो को याद आता है कि अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उसका हथियार काट दिया जाएगा। सो किमितो
अपने ही हाथों से अपने थाई कलेक्शन को फाड़ देता है। लेकिन किमितो का एक्सप्रेशन देखकर मियुकी कहती है कि लड़कियों के पैरों की फोटो फाड़ने के बाद आप उदास क्यों हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन तभी किमितो एक बुक को सीने से लगा लेता है जिस पर एक मस्कुलर मॉडल था और कहता है कि मुझे मसल्स बहुत पसंद हैं। और इसके बाद मियुकी कहती है कि आज से मैं आपकी पर्सनल मेड हूँ। इस स्कूल में हर एक स्टूडेंट के पास उनका ख्याल रखने वाली एक मेड होती है, लेकिन मैं आपका कोई ख्याल नहीं रखने वाली। वैसे 3 बजे आपकी एक कॉमनर ओरिएंटेशन मीटिंग होने वाली है, तब तक आप अपने कमरे में आराम कीजिए। और इसके बाद जैसे ही मियुकी यहाँ से जाती है, उस कमरे में आइका आ जाती है। वो कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा कॉमनर, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा है। किमी तो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी बेवकूफी भरी हरकतें करने लगोगी। लेकिन तभी आइका किमितो का कमरा देखती है जो कि उसे बहुत अजीब लगता है। सो किमितो कहता है कि ये मेरा सामान है। जो बात सुनकर आइका कहती है कि अगर मैं इन चीजों का इस्तेमाल करके एक कॉमनर बनने की कोशिश करूं तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मैं क्लास की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की बन जाऊंगी। सो किमितो कहता है कि तुम्हें पॉपुलर बनने के लिए ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम दूसरों के साथ अच्छे से बात करना चाहती हो तो बस तुम्हें नॉर्मल होने की जरूरत है। जिस पर आइका कहती है कि नॉर्मल बने रहने से मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली। सो किमितो कहता है कि अगर तुम मुझसे बात कर सकती हो तो बेशक तुम सबसे बात कर सकती हो। अब किमितो की ये बात सुनकर आइका उसके बिस्तर पर बैठकर बोलती है कि मैं बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ जिससे पक्का लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे, और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे नफरत करे। और दोस्तों इसी वजह से आइका हमेशा अपने क्लासमेट से दूर ही रहती है, लेकिन मैं उन सभी से दोस्ती करना चाहती हूँ। मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं दूसरों के साथ मिलकर एक मज़ेदार स्कूल लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं हर दिन दूसरों से भागकर थक चुकी हूँ। वैसे मैं तुम जैसे कॉमनर से ये सारी बातें क्यों कह रही हूँ? अब ये सारी बातें सुनकर किमितो आइका को अपना गेम देता है और उसे बताता है कि ये गेम किस तरीके से काम करता है। आइका उस गेम को चलाकर खुश हो जाती है, लेकिन इसके बाद वो फिर से परेशान होने लगती है और उसे गेम खेलना भी नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से वो अजीब सी हरकतें करने लगती है। लेकिन इसके बाद वो किमितो से कहती है कि तुम मुझे एक कॉमनर बनना सिखा सकते हो, जैसे कॉमनर किस तरीके से चीजों को करते हैं, बिल्कुल इस गेम को खेलने की तरह। मैं धीरे धीरे कॉमनर कल्चर को सीखकर पॉपुलर बन सकती हूँ जिससे मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कॉमनर वर्ल्ड के बारे में हर एक चीज सिखाओ, और ये सारी चीजें सीखने के लिए मैं हम दोनों का एक क्लब बनाती हूँ, द कॉमनर क्लब, और हम दोनों इस क्लब के मेंबर्स होंगे। तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किमितो कहता है कि हाँ ठीक है। और अब आइका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और अपना कॉमनर क्लब बनाने के बाद सबसे पहले वो ये सीखने लगती है कि गेम किस तरीके से खेला जाता है। वैसे इन सबसे किमितो को कोई दिक्कत नहीं होती, और इसी तरह किमितो के एक नए सफर की शुरुआत होती है एक ऐसे स्कूल में जिसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। वैसे इसके अगले सीन में हमें एक हॉल को दिखाया जाता है जहां पर मियुकी पूरे स्कूल को कॉमनर किमितो के बारे में बताती है और कहती है कि क्या कोई कॉमनर से कुछ सवाल पूछना चाहता है, जिस पर सभी लड़कियां अपने हाथ खड़े कर देती हैं। अब सबसे पहले ये लड़की किमितो से सवाल पूछती है कि क्या पहले तुमने कभी एक ट्रेन में सफर किया है? किमितो कहता है कि हाँ किया है। सो दूसरी लड़की पूछती है कि ट्रेन में सफर करने के लिए तुमने पैसे देकर टिकट खरीदी होगी, है ना? किमितो कहता है कि ये एक पास कार्ड है जिसका इस्तेमाल तुम ट्रेन में सफर करने के लिए करते हो। इस कार्ड के जरिए तुम पहले ही सिस्टम में एडवांस में पैसे डाल देते हो, और इसके बाद टिकट काउंटर पर जाकर इस पास कार्ड के जरिए तुम्हें टिकट मिल जाती है और पैसे ऑटोमेटिकली पे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों किसी को भी किमितो की ये बातें समझ नहीं आती, और लड़कियां कहती हैं कि कॉमनर्स कितने अद्भुत होते हैं। किमितो कहता है कि कॉमनर्स में ऐसी कोई भी खास बात नहीं होती। सो वो लड़कियां कहती हैं कि नहीं, कॉमनर्स बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव होते हैं। वैसे यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें टोक्यो सिटी का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ हम अपने मेन कैरेक्टर असाही को देखते हैं जो अपने ऑफिस का काम कर रहा है। लेकिन ऑफिस का काम करते हुए उसे बहुत देर हो जाती है, और इसीलिए वो अपने घर की ओर
अब निकल पड़ता है। घर जाते हुए वो हमें बताता है, मैं 3 साल से यहाँ अकेला रह रहा हूँ और अपने काम के सिलसिले में मैं हर दिन बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। मेरे पास घर के काम करने के लिए जरा भी वक्त नहीं बचता। असाही यहाँ किराए से कमरे में रहता है। घर आते ही वो कहता है, मैं घर आ गया। और इसके बाद उसके घर में हम एक लड़की को देखते हैं जो खाना बना रही थी, और तभी वो कहती है, वेलकम होम मास्टर असाही। और दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं कि ये लड़की एक रोबोट है जिसे असाही ने घर के काम करने के लिए खरीदा है। अब इसके बाद कपड़े उतारते हुए असाही हमें बताता है कि इस रोबोट की फंक्शनैलिटी लिमिटेड है, यानी कि ये सिर्फ खाना बना सकती है और बर्तन साफ कर सकती है। और फ्रिज में असाही जो सामान लाकर रखता है वो अपने रजिस्ट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्हीं से डिशेस बनाती है, और असाही को उसके यहाँ होने से काफी अच्छा लगता है। सच में कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या इसी तरह से मेरी बीबी भी मेरा ख्याल रखती। और इसके बाद वो पूछता है, मीना आज तुमने डिनर में क्या बनाया है? वो कहती है, आपकी पसंद का खाना, ऑमलेट राइस। जो बात सुन असाही कहता है, सच में तुम मेरा ख्याल एक पत्नी की तरह रखती हो। और जैसे ही असाही ये बात कहता है, मीना उसको घूरना शुरू कर देती है, जिससे असाही बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और ये बात सुन मीना फिर से खाना बनाने लगती है, और असाही मन में कहता है, आखिर मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ। और तभी खाना बन के तैयार हो जाता है, और असाही के राइस ऑमलेट पर मीना ने प्यार से लव असाही भी लिखा था, जो देख असाही थोड़ा ज्यादा ही हैरान हो जाता है। और इसके बाद अगले दिन वो मीना का मैनुअल देखने लगता है, क्योंकि कल रात जो मीना ने राइस ऑमलेट के ऊपर लव असाही लिखा था, ऐसा करने के लिए असाही ने उससे नहीं कहा था। लेकिन फिर असाही को लगता है कि उसने मीना को सेकंड हैंड खरीदा है। हो सकता है कि इसके पिछले यूजर ने इसके अंदर ये प्रोग्राम किया हो। और अब जैसे ही 11:30 बजते हैं, मीना असाही के लिए लंच बनाने के लिए जाने लगती है, और तभी असाही कल की बातों को याद करते हुए मीना की मदद करने के लिए जाता है। अब हम देखते हैं कि असाही खाना बनाने में मीना की मदद करने लगता है, लेकिन अंडे तोड़ते हुए अंडे के 2 छिकले इसके अंदर आ जाते हैं। सो इसके बाद मीना असाही को सब बताने लगती है, वरना पूरे खाने का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन फिर भी असाही सही से काम नहीं कर पाता, इसीलिए मीना कहती है कि आप प्लीज बैठ जाइए मास्टर असाही। और अब असाही को उसकी बात माननी ही पड़ती है, एंड अगले ही पल में लंच तैयार हो जाता है। खाना खाते हुए असाही हमें बताता है कि उसने एक बार एक लड़की को डेट किया था, लेकिन सब चौपट हो गया, और उसके बाद मैंने कभी प्यार करने की हिम्मत नहीं की। और इसके बाद जब मीना बर्तन साफ कर रही थी, तब फिर से असाही उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन मीना कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो इसके बाद असाही पूछता है कि मीना तुम्हें क्या पसंद है? मीना कहती है, मुझे नहीं पता, मेरे अंदर खाने के फंक्शंस नहीं है। असाही कहता है, अरे मेरा मतलब ये नहीं था, कल रात तुमने ऑमलेट राइस पर जो लिखा था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मीना पूछती है, क्यों, वो अच्छा नहीं था? असाही कहता है, नहीं वो बहुत डिलीशियस था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो गई है और असाही को नींद नहीं आ रही। आखिर मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, वो एक रोबोट है, आखिर उसे प्यार कैसे हो सकता है? लेकिन तभी असाही देखता है कि मीना स्लीप मोड में नहीं है, और वो असाही से पूछती है कि मास्टर असाही प्लीज आप मुझे बताइए कि आपको क्या पसंद है। असाही को लगता है कि मीना खाने की बात कर रही है, इसीलिए वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बनाई हुई सारी रेसिपीज बहुत पसंद हैं। लेकिन मीना फिर से पूछती है कि आपको क्या पसंद है, और तभी असाही को याद आता है कि उसने मीना से यही सवाल पूछा था, और इसीलिए अब असाही कहता है, मैं सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये बात सुनते ही मीना स्लीप मोड में चली जाती है, और दूसरी ओर असाही को खुद पर बहुत शर्म आने लगती है। अब अगले दिन जैसे ही असाही की आंख खुलती है, वो देखता है कि मीना उसके लिए खाना बना चुकी है, और ये होता है मीना का खुद का सिर। और ये देखते ही असाही एक झटके के साथ जागता है, वो ये सपना देख रहा था। और जैसे ही वो ये बात समझता है, वो चैन की सांस लेता है, और तभी मीना उसके लिए खाना लेकर आ जाती है, फिश विद मिसो सूप। लेकिन तभी असाही मीना का हाथ पकड़ के कहता है, कल मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सबसे ज्यादा
तुम पसंद हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, समझी? वो कहती है हाँ। अब असाही के खाना खाने के बाद मीना उससे कहती है, मास्टर असाही, मेरी बॉडी ज्यादातर मेटल और रेजिन से बनी है और इसको खाना किसी भी इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है, इसीलिए अगर आप मुझे खाने की इच्छा भी रखते हैं तब भी प्लीज आप ऐसा करने से बचिएगा। वो कहता है हाँ। अब रात में असाही फिर से देर रात काम करने के बाद घर पर आता है और जूस पीते हुए सोचता है कि रोबोट्स हम इंसानों जैसे बिल्कुल भी नहीं होते, उनमें कोई इमोशंस नहीं होते। क्या सच में मीना मुझे पसंद करती है या फिर मैं ये सब बस सोच रहा हूँ? और इसी बारे में सोचते हुए वो जूस के कई सारे कैंस पी जाता है, इसीलिए मीना उससे कहती है, मास्टर असाही, आपको इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए। असाही कहता है कि नहीं, मुझे और शराब पीनी है। ये बात सुन मीना एक बड़े से जग में काफी सारा पानी लाती है और कहती है कि आपको अब शराब के जितना ही पानी पीना होगा। असाही कहता है, मैं इतना सारा पानी नहीं पी सकता। लेकिन मीना उसे जबरदस्ती पानी पिलाने लगती है और ऐसे ही काफी सारा पानी पीने के बाद भी असाही मीना से और शराब लाने को कहता है। सो अब मीना फ्रिज के पास जाकर उसमें आखिरी रखे दो बियर कैंस उठाती है और उन्हें कचरे में बहाकर कहती है, अब हमारे पास और शराब नहीं है। ये बात सुन असाही नशे की हालत में मीना को अपने पास बुलाता है और इसके बाद उससे पूछता है, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ मीना? मीना कहती है, आप मेरे हस्बैंड हो। ये बात सुन असाही हैरान होते हुए पूछता है, हाँ आखिर ऐसा क्यों? वो कहती है, आपने ही तो मुझसे आपकी बीवी बनने के लिए कहा था। ये बात सुन असाही याद करता है जब उसने मीना से ये बात कही थी, तभी मीना कहती है, क्या मेरे कंक्लूजन्स गलत हैं? वो कहता है, नहीं वो बिल्कुल सही हैं। मीना कहती है, इसका मतलब अब मैं आपकी बीवी हूँ? असाही कहता है, हाँ हाँ। और मीना की ये बात सुन असाही बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी मीना पूछती है कि एक वाइफ क्या क्या करती है। असाही कहता है, अपने पति के साथ वक्त बिताना, उसका ख्याल रखना। मीना कहती है, ऐसा तो मैं हमेशा ही करती हूँ। लेकिन इसके बाद असाही कहता है कि पति पत्नी एक दूसरे के काम में उनका साथ भी देते हैं, इसीलिए प्लीज मुझे भी तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करने दिया करो। ये कहते हुए असाही वहीं लेट जाता है और तभी मीना कहती है, अकॉर्डिंग टू माई लॉक फाइल मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकती। और क्योंकि असाही बहुत ज्यादा नशे में होता है, इसीलिए मीना उसका बिस्तर लगाकर उसे उस पर लेटा देती है। लेकिन यहाँ असाही नशे की हालत में कहता है, मीना आओ मेरे पास आओ। वो पूछती है, क्यों? असाही कहता है, पति पत्नी एक साथ सोते हैं। और ये बात सुन मीना असाही के पास जाकर उसके साथ बिस्तर पर लेट जाती है और अब ये दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। और यहाँ असाही मीना की आंखों को देखकर कहता है, अपनी आंखों को बंद कर लो मीना, ये मुझे डरावनी लगती हैं। सो मीना अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अब मीना को देखकर असाही कहता है, एक लड़की मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सो रही है, इसीलिए मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। ये सुन मीना पूछती है, आपको कैसे ख्याल आ रहे हैं? लेकिन असाही उसके सवाल का जवाब ना देकर कहता है, अब सोने का वक्त हो गया है, सो जाओ। लेकिन तभी मीना कहती है, क्या आपको नॉटी विचार आ रहे हैं? और इन सब के बारे में भी मीना ने ऑनलाइन पढ़ा है। असाही कहता है, नहीं। लेकिन तभी मीना कहती है, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? असाही कहता है, बस तुम मेरे साथ रहो, इतना ही मुझे खुश करने के लिए काफी है। मीना कहती है, ठीक है। और दोस्तों तभी आसमान से एक टूटता तारा गिरता है। लेकिन इसके बाद जब असाही अगले दिन उठता है तब उसे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी कि कल उसने नशे की हालत में क्या क्या कह दिया मीना से। लेकिन तभी मीना आकर कहती है कि नाश्ता तैयार है। और यहाँ असाही मीना की आंखें देखकर पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें? वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी असाही मीना की आंखें देखने लगता है, लेकिन मीना असाही के हाथ को दूर कर देती है क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो बहुत ज्यादा नाजुक हैं। अब ये देख असाही कहता है कि क्या तुम नाराज हो? लेकिन मीना पूछती है, क्या आपका नशा उतर गया? असाही कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और शायद से असाही को शराब का हैंगओवर इसीलिए नहीं हुआ
क्योंकि मीना ने उसे बहुत सारा पानी पिला दिया था। अब इसके बाद असाही अपना बिस्तर रख देता है और यहाँ हम देखते हैं कि मीना की आंखें अभी नॉर्मल होती हैं, लेकिन जैसे ही वो असाही की ओर अपनी नजरें करती है वो फिर से अपनी आंखों को काफी हद तक झुका लेती है, जो देख असाही कहता है, कल रात मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी आंखें काफी डरावनी हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब था कि तुम्हारी आंखों को इतने नजदीक से देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा है। तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं मीना। और ये बात सुन हम देखते हैं कि मीना अपनी आंखों को फिर से नॉर्मल कर लेती है, जो देख असाही बहुत खुश हो जाता है और इसके बाद खाना खाना शुरू कर देता है जो मीना ने उसके लिए बनाया है। खाना खाते हुए वो उन सभी मूमेंट्स के बारे में सोच रहा था जो पिछले कुछ टाइम में उसके साथ हुए हैं और आखिर में वो मीना से कहता है, खाना बहुत अच्छा बना है। और इसी के साथ ये एपिसोड 1 एंड हो जाता है। दोस्तों ये नई कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसमें काफी सारी मिस्ट्रीज हैं, तो प्लीज मेरे कहने पर इसका ये एपिसोड 1 देखो, क्योंकि आखिर तक ये एपिसोड बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो जाता है। हमारी इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अभी अभी सोकर उठी है। वो लड़की अपना मुंह धोने के बाद अपने कपड़े बदलती है और अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके साथ वहाँ पर एक लड़का भी था और इसके बाद वो लड़की इस अजीब सी जगह से अपने स्कूल के लिए निकल पड़ती है। अब इसके बाद हम एक और लड़की को देखते हैं जो मिदोरी बुक स्टोर में काम करती है और इस लड़की का नाम ओगावा सुमिरीको है, जिसे हम सुमिरे कहेंगे। और उसके साथ वहाँ एक लड़का भी होता है और इसका नाम आदाशिनो रैन है। अब सुमिरे को एक चिड़िया की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि ये आवाज रैन निकाल रहा था। अब इस वजह से सुमिरे पूछती है कि क्या मेरे साथ काम करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। रैन कहता है कि नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर काम करता हूँ। ये बात सुनकर सुमिरे कहती है कि इसके लिए तो तुम्हें 10 साल और इंतजार करना होगा। रैन कहता है कि 10 साल में तुम एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव वुमन बन जाओगी। वो कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है ना। रैन कहता है कि और हम कर ही क्या सकते हैं। और हमें पता चलता है कि एक के बाद एक बुक स्टोर बंद हो रहे हैं क्योंकि अब लोग बुक्स पढ़ने नहीं आते। तभी सुमिरे को देखकर रैन पूछता है कि क्या कल रात तुम फिर से सारी रात लिखती रही। ये बात सुनकर सुमिरे कहती है कि अरे वाह, तुमने क्या बात पूछी, क्या तुम्हें पता है कि कल कीसा रागी स्टेशन के बारे में कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकली है। रैन बोलता है कि वो सारी बातें बिल्कुल झूठी हैं, तुम्हें इन बकवास बातों पर यकीन है। वाह, सुमिरे कहती है कि तुमने भी तो वो पढ़ा है, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो सारी चीजें इंसानी समझ के परे हैं। सो रैन कहता है कि तुम ये सारी फालतू की चीजें देखने में अपना बहुत वक्त बर्बाद करती हो। सो सुमिरे कहती है कि तुम्हें तो मेरी किसी बात पर यकीन होता ही नहीं है। लेकिन तभी बुक स्टोर का मैनेजर सुमिरे से कहता है कि मैंने पहले कभी रैन को इतना ज्यादा बात करते हुए नहीं देखा। सुमिरे कहती है कि हाँ, आज ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। सो तभी मैनेजर कहता है कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ इतनी बातें करता है। और इसके बाद मैनेजर सुमिरे को एक प्रेजेंट देता है, एक किताब। सुमिरे पूछती है कि आखिर ये क्या है। मैनेजर बोलता है कि इस किताब का नाम रिवर्स शॉपलिफ्टिंग है, इसका मतलब कोई भी हमारे स्टोर में आए तो वो कुछ चुराए ना बल्कि कुछ छोड़कर ही जाए। लेकिन ये सब बातें सुमिरे को बहुत अजीब लगती हैं। वैसे आज सुमिरे का बर्थडे है और ये बात जानकर रैन अपनी एक आंख खोलता है और तभी एक पल के लिए ना जाने क्यों हमें छोटी सुमिरे दिखाई जाती है। अब इसके बाद स्टाफ रूम में रैन पूछता है कि तुम्हारी वो नोवेल कैसी चल रही है। वो बताती है कि उसे इतना वक्त नहीं मिल रहा है कि वो अपनी नोबल लिख पाए। सो अब रैन बोलता है कि तुम अभी भी मुझे अपना दोस्त नहीं मानती, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा लेकर आता। सुमिरे कहती है कि अगर तुम मुझे अकेला छोड़ दो तो यही मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा होगा। रैन कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, भले से ही तुम मेरी ये बात ना मानो, लेकिन मैं ऑथर ओगावा सुमिरेको का बहुत बड़ा फैन हूँ। और इसके बाद ये दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं और सुमिरे कहती है कि मैं ये बात भूल ना चाहूँ, इसीलिए मैं खुद को फिर से याद दिला देती हूँ, मैं हूँ ओगावा सुमिरीको और ये मेरा दोस्त आदाशिनो रैन, जो हमेशा मुझसे बात करता रहता है। ये हमारी प्यारी दोस्ती है जो अलग अलग रास्तों के लिए बनी है। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अलविदा कह के अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद सुमिरे अपने घर पर पहुंचती है। घर पर आने के बाद वो सबसे पहले नहाती है और नहाने के बाद अपने कंप्यूटर पर एक शो देखने लगती है।
और इसी तरह रात के 12 बज जाते हैं और सुमीरे अपने बर्थडे के दिन भी बिल्कुल अकेली होती है और इसी तरह अब वो 28 साल की हो गई है। सुमीरे यहाँ कहती है कि 15 साल की उम्र में मुझे न्यू कमर्स का अवार्ड मिला। उस टाइम पर मैं बड़ी ही आसानी से लिख लिया करती थी, लेकिन 20 साल की होने के बाद मैं बस एक मामूली इंसान बन के रह गई हूँ। काश मैं वक्त में पीछे जा पाती। और तभी उसके बैग में से वो किताब गिर जाती है जो उसे मैंने चढ़ने दी थी। अब इसके बाद वो उस किताब को उठाकर उसे पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तो उस किताब का टाइटल भी समझ नहीं आ रहा था। उसमें काफी अजीब चीजें लिखी थीं, जिन्हें समझ पाना काफी मुश्किल था। उसमें कुछ कीवर्ड्स भी थे, स्वर्ग में जिस तरह सूरज और चांद चमकते हैं उसी तरह मेरे ख्यालों में तुम चमकती हो, और मुझे इस बात का पछतावा है कि हर नए दिन के साथ तुम बूढ़ी होती जा रही हो। ये पढ़कर सुमीरे कहती है कि शायद से उस वक्त के लोग भी फिर से जवान होना चाहते होंगे। अब इसके बाद सुमीरे केक लेने के लिए बाहर निकल जाती है और इसके बाद उसे रैन का मैसेज आता है, हैप्पी बर्थडे और प्लीज तुम और भी ज्यादा अट्रैक्टिव ओल्डर वुमन बनना। सुमीरे लिखती है कि थैंक्स, एक दिन मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं इंतजार करूंगा। सुमीरे लिखती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, सो अब हम रैन को देखते हैं जो कहता है कि मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ। दूसरी ओर सुमीरे एक दुकान पर आ जाती है, लेकिन तभी वो ये नोटिस करती है कि उसका शरीर छोटा होता जा रहा है, बड़ी चीजें भी छोटी हो गई हैं। और इसके बाद जब सुमीरे चलने की कोशिश करती है तब वो गिर जाती है, और इसके बाद वो एक मिरर के रिफ्लेक्शन में अपना चेहरा देखती है और घबरा जाती है, और इसी घबराहट में उसका हाथ एक बोतल से लग जाता है और वो बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। यह आवाज सुनकर उस दुकान में काम करने वाला आदमी आता है, लेकिन तब तक सुमीरे वहां से निकलकर भाग जाती है। अगले दिन बुक स्टोर में मैनेजर रैन से पूछता है कि सुमीरे अभी तक आई नहीं और उसका फोन भी नहीं लग रहा, इसी वजह से मुझे चिंता हो रही है, क्या वो कहीं पर गई है, क्या तुम्हें कुछ पता है। सो तभी रैन कहता है कि वो बीमार है, वो अपनी हद से ज्यादा काम करती है, इसी वजह से उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है, इसी वजह से डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। रैन की बातों पर मैनेजर को भरोसा हो जाता है, वो बोलता है उससे कहना कि वो अपना ख्याल रखे। रैन कहता है कि ठीक है, और अब रैन सुमीरे को मैसेज करता है कि आज वो आई क्यों नहीं। वो काफी सारे मैसेज करता है और इसके बाद जवाब आता है कि मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। वहीं सुमीरे को हम उसके कमरे में देखते हैं, वो बड़े अजीब तरीके से अपनी नोबल लिख रही थी, ये सब काफी अजीब था। और इसी तरह सुमीरे को गायब हुए एक हफ्ता गुजर जाता है और मैनेजर को सुमीरे की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, इसी वजह से वो रैन को सुमीरे के घर भेजता है। रैन वहां आकर दरवाजा खटखटाते हुए बोलता है कि मैं रैन हूँ, तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, लेकिन अंदर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। और इसके बाद वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ था, और इसके बाद रैन बोलता है कि हम घर के अंदर आ रहे हैं। जब रैन अंदर आता है तो वहां पर उसे सुमीरे का ब्रा दिखता है, और तभी उसे टेबल पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो देखता है कि एक पेपर के नीचे सुमीरे का फोन रखा हुआ था। रैन सोचने लगता है कि आखिर वो कहाँ हो सकती है, लेकिन तभी रैन को कुछ एहसास होता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक अजीब सा साइन लगा हुआ है। दूसरी ओर हम सुमीरे को देखते हैं और वहाँ पर एक बिल्ली बड़ी अजीब तरीके से सुमीरे को घूर रही थी। दूसरी ओर सुमीरे के कमरे में रैन उस किताब को सूंघने लगता है जो सुमीरे को मैनेजर ने दी थी, और वो समझ जाता है कि आखिर मामला क्या है। इसके बाद वो उस किताब को उठाता है और उसे थोड़ा हिलाने के बाद पढ़ने लगता है। दूसरी ओर सुमीरे अपनी नोबल लिखने के लिए मटेरियल्स देख रही थी, और वो फिर से एक बच्ची बनकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे बहुत सारे नए नए आइडियाज आ रहे थे। और इसके बाद वो घर के लिए निकलती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि उसका घर कहाँ है। और अगले ही पल में उसके पीछे रैन आकर कहता है कि एक बच्चे के लिए इस तरीके से रात में बाहर घूमना खतरनाक हो सकता है, और अगर तुम घर का रास्ता भूल चुकी हो तो मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूं। लेकिन सुमीरे रैन को नहीं पहचान पाती, और जब वो कुछ याद करने की कोशिश करती है तभी उसका सिर बहुत तेजी से दर्द करने लगता है, उसके आंसू बहने लगते हैं, और तभी रैन कहता है कि ये तुम्हारे इस रूप का साइड इफेक्ट है, तुम्हें क्या लगा तुम फिर से बच्ची बन गई हो, तुम्हें एक बच्चे के शरीर में जाने के लिए मजबूर किया गया है, छोटे होने के बाद तुम्हारे बड़े शरीर का खून हड्डी और मसल्स अभी भी तुम्हारे शरीर के अंदर ही हैं। और तभी सुमीरे को रैन याद आ जाता है, वो रैन से पूछती है कि तुम मुझे बच्चा बना हुआ देखकर हैरान कैसे नहीं हुए।
सो तभी रैन कहता है कि तुमने ये किताब पढ़ी है ना सुमीरे, ये एक ऐसी श्रापित किताब है जिसे तेज आवाज में नहीं पढ़ना चाहिए, इसे जूशो कहते हैं। सुमीरे कहती है कि मैं तुम्हारी इन बकवास बातों पर यकीन नहीं करने वाली। रैन बोलता है कि मेरी बकवास बातें, जरा अपने आप को देखो, तुम एक औरत से बच्ची बन गई हो फिर भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है। तुम्हारी जान यहाँ दांव पर लगी है। वाका कलेक्टेड इन द मैनियोशु में ऐसी कई सारी पोयम्स हैं जिन्हें लिखने वालों को इंसान नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसी पोयम्स जो मरे हुए को जिंदा कर देती हैं, द बांका पोयम्स जो लोगों के दिलों को बहला फुसला लेती हैं, वो होती हैं द सोमोन, और वो पोयम जो किसी इंसान की जवानी उसे वापस देती हैं, वो होती हैं द जोका। और तुमने वही कविता पढ़ी थी। इस कविता में कवि दुआ कर रहा है कि एक औरत का बचपन उसे वापस मिल जाए। तुम सभी को मैं इस कविता का अर्थ बता चुका हूँ। रैन की ये बातें सुनकर सुमीरे कहती है कि मैंने ऐसी चीजों के बारे में पहले कभी नहीं सुना। रैन बोलता है कि ये प्रार्थना कवि मून गॉड सुकुयोमी से कर रहा है जो वाटर ऑफ यूथ हैं। लेकिन ये पोयम अपनी ताकत तभी दिखाती है जब कुछ कंडीशंस मेल खाएं। एक स्पेल का एक्टिवेट होना बहुत ही रेयर बात है। इसके बाद रैन कंडीशंस बताना शुरू करता है। पहली, इसको पढ़ने का वक्त करीब आधी रात को होना चाहिए। दूसरी, ये चांद की रोशनी में पढ़ी जानी चाहिए। तीसरी, इसको पढ़ने वाले की उम्र लगभग 28 साल होनी चाहिए। और ये सारी कंडीशंस सुमीरे के लिए मेल खाई। और अब रैन चौथी कंडीशन के बारे में बताता है कि इसको पढ़ने वाली औरत एक वर्जिन होनी चाहिए। और अब ये बात सुनकर सुमीरे को शर्म आने लगती है और वो रैन से कहती है कि अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। और वैसे एक ऐसी किताब आखिर मेरे पास क्यों आई? रैन कहता है कि शायद से ये कोई इत्तेफाक होगा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी जान खतरे में है क्योंकि तुम बिना सोचे समझे कहीं भी भटकती रहती हो और तुम्हारा ऐसा करना सही नहीं है। और इसके अगले ही पल में हम देखते हैं कि सुमीरे की आंखों से और नाक से बहुत ज्यादा खून बाहर निकलने लगता है। और अब रैन बोलता है कि अगर तुम फिर से पहले जैसी होना चाहती हो तो इसके लिए चांद की रोशनी का होना जरूरी है। चलो किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां से चांद साफ साफ दिखाई दे। अगर हम अभी जाएंगे तो शायद से वक्त पर पहुंच जाएंगे। और इसके बाद ये दोनों एक जगह पर आ जाते हैं जहां से चांद साफ दिखाई दे रहा था। यहां आकर सुमीरे पूछती है कि क्या मुझे वही पोयम फिर से पढ़नी होगी। रैन कहता है कि तुमने जो शुरुआत में पढ़ा वो हैंका है और इसी वजह से अब तुम्हें चोका पढ़ना होगा। और इसके बाद सुमीरे उस कविता को पढ़ने लगती है। मैं दुआ करती हूँ कि स्वर्ग तक पहुँचने का रास्ता लंबा हो। मैं दुआ करती हूँ कि पहाड़ और भी ज्यादा ऊंचे हों। मैं दुआ करती हूँ कि मैं सुकुयोमी के वाटर ऑफ यूथ को चुरा कर तुम्हें दूं और तुम फिर से जवान हो जाओ। और ये कविता पढ़ते ही सुमीरे को बड़ा अजीब महसूस होता है और वो फिर से बड़ी होने लगती है। उसका शरीर फिर से पहले जैसा हो जाता है। बड़ी होने के बाद सुमीरे बोलती है कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। रैन कहता है कि हाँ, तुम्हारी अंडरवेयर साफ साफ दिखाई दे रही है। सो अब सुमीरे कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी औरतों के लिए इज्जत है तो मुझे कुछ पहनने को दो। सो अब रैन अपने बैग में से कुछ निकालते हुए कहता है कि तुम वो किताब मुझे दे सकती हो, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। वैसे इस टॉवल से तुम्हारा पीछे का हिस्सा तो ढक ही जाएगा। लेकिन वो देखता है कि सुमीरे वहाँ से भाग चुकी है। रैन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन सुमीरे कहती है कि माफ करना, मैं ये किताब तुम्हें नहीं दे सकती, मैं इसका सही से इस्तेमाल करूंगी। लेकिन तभी रैन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि ये खतरनाक है, ये मुझे दे दो। अब रैन को अपने सामने देख कर सुमीरे पहली वाली पोयम पढ़ के खुद को फिर से छोटा कर लेती है और रैन से बचकर भाग जाती है और वो फिर से रैन के बारे में भूल जाती है। लेकिन तभी रैन फिर से उसके सामने आ जाता है। सो अब सुमीरे फिर से दूसरी वाली पोयम पढ़ के खुद को बड़ा कर लेती है और रैन के ऊपर से उछलकर वहां से भाग जाती है। लेकिन इसके बाद हम सुमीरे की हालत देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहां पर है। दूसरी ओर रैन भी उसका पीछा करते करते काफी थक चुका है और अब वो फिर से सुमीरे से वो किताब मांगता है लेकिन वो उस किताब को देने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि अगर मैं फिर से बच्ची नहीं बनी तो कोई भी मेरी किताबें नहीं पढ़ेगा क्योंकि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। जब से मैं अपनी 20s में आई मैं हर जगह रिजेक्ट हो रही हूँ और अब मैं बस एक ऐसी औरत बन के रह गई हूँ जो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मैं नोबल्स लिखना चाहती हूँ
लेकिन अभी मैं जो नोवेल्स लिख रही हूँ वो जरा भी अच्छी नहीं है। और भले से ही मुझे ये बात पता हो कि मेरी लिखी किताबें अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी मैं उन्हें लिखना चाहती हूँ। और ये कहते हुए सुमीरे बहुत ज्यादा रो रही थी। सो अब रन सुमीरे के पास आकर कहता है कि तुम्हारी नाक बह रही है, जरा ये देखो। और इसके बाद रन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम अभी भी लिख सकती हो, क्योंकि लिखने का साहस तुम्हारे अंदर है और वो हमेशा से तुम्हारे अंदर ही था। आखिर तुम आधे नंगे कपड़े पहनकर पूरे टाउन में इस तरीके से घूम सकती हो, कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। और मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं ऑथर ओगावा सुमीरिको का एक बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं तुम्हारी लिखी नई किताबें पढ़ना चाहता हूँ। अब रैन की ये बातें सुनकर सुमीरे दूसरी वाली पोयम पढ़ के खुद को फिर से बड़ा कर लेती है और इसके बाद उस किताब को रैन को दे देती है, ये कहते हुए कि तुम बहुत बुरे हो, अगर तुम मुझसे ऐसी प्यारी प्यारी बातें कहोगे तो मैं तुम्हें मना कैसे करूंगी। लेकिन तभी वो बेहोश होकर गिरने लगती है। सो रैन उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें वापस देखकर मैं काफी खुश हूँ सुमीरी को। अगले सीन में हम यही साइन देखते हैं और हमें किसी की आवाज आती है कि अगर आप एक फाउंड आर्टिकल को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आइए। रैन उस किताब को एक जगह पर रख देता है जो उसे सुमीरे से मिली है। वो आवाज कहती है कि ये तो एक जूशो है, इसके बदले में आपको एक यामी स्टेशन की टिकट मिल सकती है। लेकिन रैन उस किताब को अपने पास रखते हुए कहता है कि इस बार नहीं, वैसे आपका शुक्रिया। और ये कहने के बाद रैन वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो आवाज कहती है कि हम फिर से तुम्हारा इंतजार करेंगे। मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस, यानी रहस्यमय तरीके से गायब होने वाले। तो आखिर दोस्तों, रैन असलियत में है कौन? और आखिर में सायोनारा। हमारी इस कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर नूर को देखते हैं जो कि नालियां साफ कर रहा था। और इसके बाद नाली साफ करने के लिए एक बुढ़ी उसे कुछ पैसे देती है। पैसे लेकर नूर अपनी कचरा गाड़ी लेकर निकल जाता है और इसके बाद नूर मजदूरी का काम भी करता है और उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए वो काफी सारे माल को एक ही बार में उठा रहा था। और इसके बाद शाम होते ही एक आदमी उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से अब कंस्ट्रक्शन का काम अच्छे से हो सकेगा। नूर कहता है कोई बात नहीं। लेकिन तभी अचानक नूर को किसी की आवाज सुनाई देती है जैसे उसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। नूर भागते हुए टाउन के बीच में आता है जहां पर कुछ सोल्जर्स एक मॉन्स्टर का सामना कर रहे थे और ये था एक बहुत ही बड़ा माइनोटॉर, जिसे देख नूर भी हैरान हो जाता है। और तभी हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, एक प्यारा सा छोटा सा टाउन, बहुत खूबसूरत। और यहाँ हम छोटे नूर को आग जलाते हुए देखते हैं, लेकिन वो वहाँ धुआं धुआं कर देता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि नूर कोई जड़ी बूटी बना रहा है, क्योंकि नूर की माँ हमेशा बीमार रहती हैं। वो अपनी माँ के लिए जड़ी बूटी लेकर आता है और उसकी माँ के बीमार होने की वजह से घर का सारा काम नूर को करना पड़ता है, लेकिन इससे उसे जरा भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन काम करते हुए नूर गंदा हो जाता है, इसीलिए उसकी माँ उसके चेहरे को साफ करने लगती हैं। मुझे माफ कर दो नूर, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन कम से कम तुम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जियो। अगले सीन में रात हो जाती है। नूर रात का खाना बनाने के बाद अपनी माँ के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन अब शायद से इसकी कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि उसकी माँ मर चुकी हैं। नूर अपनी माँ को वहीं दफनाता है जहाँ उसके पिता दफन हैं। लेकिन जिंदगी में इतना दर्द होने के बाद भी नूर हार नहीं मानता। वो फिर से अपनी जिंदगी जीना शुरू करता है, सब कुछ अकेले संभालते हुए। वो नदी में जाकर मछलियां पकड़ता है, अपनी बकरियां चराता है और इसके बाद खाना बिल्कुल अकेला बैठकर खाता है। लेकिन एक रात वो किताबें साफ करते हुए गिर जाता है और उसके हाथ में एक किताब आ जाती है। वो उसे पढ़ना शुरू करता है और तभी उसे अपने पिता की याद आती है जो उसे हर रात कहानियां सुनाया करते थे। और आज वो उसे एक एडवेंचर की कहानी सुनाते हैं जिसने एक बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़े ड्रैगन को मारा था। उसने अपने सफर में बहुत सी चीजों को हासिल किया, चाहे रास्ता कैसा भी रहा हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दूसरों को बचाने के लिए उन्होंने हमेशा बुराई का सामना किया है। और ये कहानी सुनते हुए नूर की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और यही सब पढ़ते हुए नूर अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश याद करता है, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो नूर। और अब अगले दिन नूर अपने जानवरों के लिए काफी सारा खाना रखने के बाद अपने माता पिता की कब्र के पास आकर कहता है, मैं
पहली दफा अब इस टाउन से बाहर जाने वाला हूँ एक एडवेंचरर बनने के लिए। और इसके बाद नूर निकल पड़ता है और टाउन में लगे प्रोटेक्टिव बैरियर के बाहर अपने कदम रखता है। और रात के वक्त उसे जंगल में से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, लेकिन अगले दिन सुबह होते ही वो फिर से आगे बढ़ने लगता है और चलते हुए वो आ जाता है एक किंगडम के पास। इसके बाद वो किंगडम के अंदर आता है। अंदर आते ही वो देखता है कि बाजार लगा हुआ है और यहाँ कई सारे लोग होते हैं। यहाँ नूर की नजर एक एडवेंचरर पर भी पड़ती है, जिसे देख वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और अब वो पहुंचता है एडवेंचरर गिल्ड में, लेकिन अंदर बैठा रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ से चले जाओ। नूर कहता है, लेकिन मैं एक एडवेंचरर बनने के लिए आया हूँ। वो आदमी कहता है, मजाक करना बंद करो, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। लेकिन नूर बताता है, वो दोनों मर चुके हैं। ये बात जानकर वो आदमी नूर से उसका नाम पूछकर कहता है, अगर तुम एक एडवेंचरर बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें रॉयल कैपिटल के एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर करना होगा, और ऐसा तुम तभी कर पाओगे जब तुम रॉयल ट्रेनिंग स्कूल में लेसन्स लोगे। बेसिकली वहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग होगी और वहाँ तुम नई स्किल्स सीख पाओगे। अगर तुम एक एडवेंचरर बनना चाहते हो तो पहले तुम्हें स्किल्स को एक्वायर करना होगा, जैसे तलवारबाजी या मैजिक। और ये बातें जानकर नूर जोश में आ जाता है। इसके बाद नूर कैपिटल के ट्रेनिंग स्कूल में आता है और वो जोश से भरा हुआ था। इसके बाद नूर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान एक आदमी अपनी मैजिक पावर को अवेकन कर लेता है, और इसके बाद काफी सारे लोग अपनी मैजिक पावर को अवेकन करते हैं या तलवारबाजी की स्किल्स में माहिर हो जाते हैं। लेकिन कुछ महीने गुजर जाने के बाद भी नूर कुछ नहीं कर पाता, और इसी वजह से टीचर कहते हैं, नूर अब तुम्हें ये बात मान लेनी चाहिए कि अब तुम्हारी कोशिशों से सिर्फ तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा। इतने महीने गुजर जाने के बाद भी तुम सिर्फ हमलों से बचना सीख पाए हो, तुम्हें अब अपने लिए एक नया रास्ता चुन लेना चाहिए। और इसके बाद नूर एक वॉरियर बनने का डिसाइड करता है, जो लड़ाई के दौरान अपने साथियों को हमलों से बचाता है, बिल्कुल एक शील्ड की तरह। और इसके बाद यहाँ पर भी नूर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ महीने गुजर जाने के बाद भी नूर की एबिलिटीज में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती, इसीलिए उसके टीचर कहते हैं कि अगर इसी तरह तुम ये ट्रेनिंग करते रहे तो इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए अब नूर एक हंटर बनने का डिसाइड करता है, लेकिन यहाँ पर भी उसे सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी मिलती है। इसके बाद वो एक थीप बनने का डिसाइड करता है, लेकिन कुछ महीने बाद ये टीचर भी उससे कहते हैं कि तुम किसी की प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाते, तुम एक थीफ नहीं बन सकते। लेकिन नूर हार नहीं मानता और इसके बाद वो एक मैजिक स्कूल में जाता है मैजिशियन बनने के लिए। लेकिन काफी ज्यादा कोशिशें करने के बाद भी वो सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी को पैदा कर पाता है, और वो टीचर भी उसे निकाल देते हैं। लेकिन इसके बाद भी उसका हौसला नहीं टूटता, वो एक क्लैरिक बनने के लिए जाता है, लेकिन वहां से भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। और आखिर में वो वापस आता है उसी गिल्ड रिसेप्शनिस्ट के पास, और वो आदमी ये बात जानकर हैरान हो जाता है कि हर एक ट्रेनिंग में 3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद भी उसे एक भी जॉब क्लास नहीं मिली। और आखिर में हमारे नूर को इस किंगडम से खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है, वो एक एडवेंचरर नहीं बन सका। और इसके बाद वो अपने घर वापस आता है, अपने माता पिता की कब्र के पास आकर कहता है, मैं ये बात जान चुका हूँ कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा और लगातार खुद को ट्रेन करता रहूंगा। इसके बाद नूर एक वुडन स्वॉर्ड बनाता है उन सभी लेसन्स को याद करते हुए जो उसने अपने टीचर्स से सीखे थे, और इसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। और ऐसे ही वो सुबह दोपहर और शाम को हर वक्त ट्रेनिंग करता है, और ऐसे ही एक साल गुजर जाता है और नूर अपनी स्किल्स को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुका है। और ऐसे ही 3 साल बाद नूर काफी सारी वुडन स्वॉर्ड्स बनाकर उन्हें लटका देता है, और अब वो खुद को इतना ज्यादा इम्प्रूव कर चुका है कि वो एक ही बार में सभी वुडन स्वॉर्ड्स को उड़ा सकता है। लेकिन वो अब तक किसी भी स्किल को सीख नहीं पाया है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। दिन और रात ना देखते हुए वो लगातार कोशिश करता रहता है, जिससे उसकी वुडन स्वॉर्ड ही टूट जाती है। और इसके बाद वो अपने हाथ को देखता है जो कुछ देर ग्लो करता है, और ये देख नूर कहता है, मुझे और भी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। और ऐसे ही 10 साल गुजर जाते हैं, और अब उसके एक ही हमले से बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है जो पूरे जंगल को ही हिलाकर रख देता है।
और 14 साल तक लगातार हर दिन ट्रेनिंग करने के बाद वो एक ही बार में 1000 शॉट्स को उड़ा सकता है, लेकिन फिर भी किसी भी स्किल को सीख नहीं पाया और इसीलिए वो अब आखिरी बार अपने माता पिता से अलविदा कहकर उसी किंगडम के गिल्ड में आ जाता है। और नूर की एबिलिटीज जानकर वो रिसेप्शनिस्ट पूछती है, क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही एबिलिटीज हैं? वो कहता है हाँ। और इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट ये जानकर हैरान हो जाती है कि नूर ऑलरेडी सारे के सारे रॉयल ट्रेनिंग स्कूल्स में जाकर आ चुका है और इसीलिए वो लड़की कह देती है कि आपको रजिस्टर नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद वहाँ उस लड़की के मास्टर आते हैं, यानी वो आदमी जिससे नूर बचपन में मिला था, और वो नूर को देखकर ही पहचान जाता है। और इसके बाद नूर उस आदमी को बताता है कि वो इतने सालों से लगातार ट्रेनिंग करता आ रहा है लेकिन अब तक किसी भी नई स्किल को सीख नहीं पाया। ये जानकर वो आदमी कहता है, एक एडवेंचरर की कई सारी रैंक्स होती हैं, एस रैंक से लेकर ई रैंक तक, और एक ई रैंक एडवेंचरर बनने के लिए कम से कम तुम्हारे पास एक यूजफुल स्किल होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई स्किल नहीं है। ये बात सुन नूर उदास हो जाता है, लेकिन तभी वो आदमी कहता है, लेकिन एक रास्ता है जिससे तुम एडवेंचरर बन सकते हो जो ई रैंक से भी लो होता है, एफ रैंक। इसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन इसमें रजिस्टर करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तुम ना ही किसी क्वेस्ट में जा सकते हो और ना ही आइटम्स को इकट्ठा कर सकते हो, तुम सिटी के बस छोटे मोटे काम ही कर सकते हो। वैसे ये सब करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता और अगर कोई होगा तो उसे बेवकूफी समझा जाएगा। लेकिन तभी नूर कहता है कि मैं ये करूँगा, और अब आखिर में उस आदमी को नूर को एक एफ रैंक के रूप में रजिस्टर करना पड़ता है और अपना लाइसेंस पाकर नूर बेहद खुश हो जाता है और इसके बाद वहां से निकल जाता है। और इसके बाद वो अपनी एबिलिटीज का यूज करके सिटी के छोटे मोटे काम करना शुरू कर देता है, इसमें बिल्ली पकड़ना भी शामिल होता है, और शाम के वक्त वो अपनी ट्रेनिंग भी करता है। इसके बाद नहाकर अपने अगले दिन का काम करने लगता है, जैसे एक बुड्ढे के लिए खाना बनाना, और ऐसे ही वो बच्चों के बीच भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। और रात में वो अपने लाइसेंस की ओर देखकर सोचता है, मेरा सपना एक एडवेंचरर बनने का है ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, और मैं इससे ज्यादा भगवान से कुछ नहीं चाहता। और इसके अगले दिन नूर नाली साफ करके सारे कचरे को वहां से ले जाता है, और इसके बाद वो मजदूरी का काम भी करता है जैसा हमने शुरू में देखा था, जिसके लिए एक आदमी उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन तभी नूर को किसी की आवाज आती है, कोई उसे मदद के लिए पुकार रहा था, इसीलिए वो तेजी से दौड़कर उसी ओर जाने लगता है। वहां आकर वो देखता है कि कुछ सोल्जर्स एक बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, एक जायंट माइनोटॉर, और ये सोल्जर्स यहाँ पर एक लड़की की हिफाजत कर रहे थे जो एक बैरियर से बंधी हुई है। वो मॉन्स्टर उसी लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है, इसीलिए इन सोल्जर्स का लीडर कहता है, हमें इसकी हिफाजत करनी होगी। लेकिन लड़की को बचाते हुए वो लीडर खुद उस मॉन्स्टर की वजह से बहुत घायल हो जाता है, और ये देख नूर सन्न रह जाता है। इसके बाद वो उस आदमी को जाकर देखता है, लेकिन वो आदमी उस माइनोटॉर के एक ही हमले से मर चुका था। वहीं दूसरी ओर वो माइनोटॉर बाकी के सोल्जर्स को भी खत्म कर देता है, जो देख वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और इसके बाद वो माइनोटॉर उस लड़की को भी मारने ही वाला था, लेकिन तभी नूर उस पर एक पत्थर मारकर उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वो मॉन्स्टर नूर पर हमला करने के लिए जाने लगता है। नूर भी भागकर उस मॉन्स्टर को उस लड़की से दूर ले जाने लगता है, और तभी अचानक नूर उस मॉन्स्टर पर एक हमला करके उसे दूर फेंक देता है। लेकिन तभी अचानक वो मॉन्स्टर वापस आकर नूर पर हमला कर देता है, और अब नूर उसके साथ लड़ने लगता है। लेकिन उस मॉन्स्टर के हमलों की वजह से नूर की तलवार की हालत बहुत खराब हो जाती है, और तभी वो मॉन्स्टर उस लड़की को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगता है, जो देख नूर उस लड़की को बचाने के लिए आता है। लेकिन इस बार उस मॉन्स्टर के हमले को रोकते हुए नूर की पूरी तलवार टूट जाती है, और वो इस पल में खुद से कहता है कि भले से ही मैं एक एडवेंचरर हीरो ना बन सका, लेकिन मैं इस लड़की की हिफाजत जरूर करूंगा। तभी उसे अपने पिता की कही बात याद आती है कि हालात कैसे भी हों, लेकिन हीरोज हमेशा कमजोरों को बचाने के लिए बुराई का सामना करते हैं। और इसके बाद जब वो मॉन्स्टर हमला करता है, तब नूर अपनी पैरी स्किल का यूज करता है, जिससे एक फोर्स पैदा होती है, और उस मॉन्स्टर की कुल्हाड़ी से उसी का गला कट जाता है, और उस मॉन्स्टर के मरते ही ये लड़की भी आजाद हो जाती है। और अपनी काबिलियत देख नूर कहता है, जैसा मैंने सोचा था, मैं एक एडवेंचरर बन सकता हूँ।
इसके बाद वो लड़की नूर का शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए और इसके बाद उसका नाम पूछती है। लेकिन नूर वहाँ से ये कहकर जाने लगता है मेरा नाम जानना इतना जरूरी नहीं है। और इसके बाद उस लड़की को लेने के लिए कई सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और तब तक नूर यहाँ से जा चुका था। दूसरी ओर नूर को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतने बड़े जाइंट मॉन्स्टर को हरा दिया है। लेकिन अभी तो नूर का सफर शुरू हुआ है और ये सफर बहुत लंबा होने वाला है। एंड इन द एंड सायोनारा